नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए आज दाखिल करेंगी नामांकन। पीएम समेत कई सीएम रहेंगे मौजूद। शिवराज बने पहले प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी कार्ड का दिखने लगा असर। अकाली दल, झाजमो और जेडीएस दे सकते हैं मुर्मू को समर्थन। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय। रेड्डी और पटनायक के समर्थन ने बिगाड़ा विपक्ष का खेल। पीएम मोदी बोले, मुर्मू की जमीनी समस्याओं की समझ असाधारण। मुर्मू के प्रशासनिक अनुभव का देशवासियों को मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को चुना अपना नेता। अब 37 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ, खत्म होगी एमबीए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सदेश्वर में शिंदे का बयान, का एक महाशक्ति हर पल हमारी मदद करने को तैयार। महाराष्ट्र संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की विदाई लगभग तय। आज 50 पार पहुंच सकता है शिंदे गुट के विधायकों का आंकड़ा। महाराष्ट्र के घटनाक्रम का केंद्र बना गुवाहाटी का 5 सितारा होटल। 70 कमरे बुक, लाखों का बजट, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। महाराष्ट्र संकट को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया दावा। बोले, अब विधानसभा में होगा ठाकरे सरकार के भाग का फैसला। महाराष्ट्र में जारी सियासी घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ। संजय राउत बोले, पवार का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। ममता ने भाजपा पर लगाया महाराष्ट्र सरकार गिराने की कोशिश का आरोप। का अनैतिक, असंवैधानिक कार्यों से देश में खत्म हो रहा है लोकतंत्र। चीन में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में जारी किया गया घोषणा पत्र। रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से सुलझाने पर दिया गया जोर। सम्मेलन में पीएम मोदी, जिनपिंग, पुतिन, बोल्सोनारो ने लिया हिस्सा। का आतंकवाद के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। ईडी ने यूनिटेक के चंद्रा बंधुओं की 257 करोड़ की संपत्ति की अटैच। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भी रिश्वत देने का आरोप। स्वामित्व योजना पूरी करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा। बंगाल, बिहार सहित 5 राज्य योजना से अभी भी दूर। सार्वजनिक दुर्व्यवहार पर ही लागू होगा SC ST एक्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, बेसमेंट में दी गई गालियां अपराध नहीं। अब देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना उत्तर प्रदेश। वैश्विक महामारी के बावजूद बढ़ा 30% निर्यात। जंग के बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को उम्मीदवार का दिया दर्जा। युद्ध के 120वें दिन रूस ने 2 गांवों पर किया कब्जा। यूक्रेन को रॉकेट प्रणाली और अन्य सहायता भेजेगा अमेरिका। नए पैकेज के कई हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम भी होंगे शामिल। भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत की चीनी विदेश मंत्री को 2-2। का LAC पर शांति बनाए रखने के लिए गंभीरता से सोचे चीन। सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को किया रद्द। कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई चिंता। दिल्ली वालों को कुछ दिन झेलनी होगी गर्मी की भीषण मार। मौसम विभाग बोला, मानसून से पहले फिर चढ़ेगा पारा। CBSE ने इस्लाम का उदय और मुगल साम्राज्य को बुक से हटाया। राजनीति विज्ञान से फैज अहमद फैज की शायरी भी उड़ाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 17,336 नए मामले। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 88,000 के पार पहुंची। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देश भर के कई हिस्सों में कर रहा है विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू। रजिस्टर करने वालों का 24 से 31 जुलाई तक होगा एग्जाम। सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। संपर्क और लंगर समेत अन्य कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी G20 देशों की बैठक। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 सदस्यीय समन्वय समिति का किया गठन। ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का किया दावा। बोले, जनता को पता चल गया है कि मोदी सरकार ही कर सकती है विकास। आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी समेत कई अन्य प्रदेशों में अलर्ट। यूपी के कई शहरों में DM SP ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। बिहार की सड़कों को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बोले, 90 के दशक के जंगल राज की याद दिला रहा है मधुबनी नेशनल हाईवे। दिल्ली में अक्टूबर से फरवरी तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई योजना। अशोक गहलोत ने अच्छी सड़कों के निर्माण को बताया पहली प्राथमिकता। बोले, गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाओं का सहारा लें अधिकारी। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से की मुलाकात। GST क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को 5 साल तक बढ़ाने की उठाई मांग। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में सबसे ज्यादा 48% मतदान। छिटपुट घटनाओं के बीच रामपुर में 39% लोगों ने डाले वोट। विधानसभा उपचुनाव में पंजाब में सबसे कम रहा मतदान प्रतिशत। त्रिपुरा में सबसे अधिक 77% लोगों ने मताधिकार का किया प्रयोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रवांडा में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, मोदी सरकार लोगों तक सेवाएं पहुंचाने वाली सरकार। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को फिर जारी किया समन। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में 25 जून को पेश होने का निर्देश। सीमा पर नेपाल ने भारत की 5 हेक्टेयर जमीन पर किया अतिक्रमण। उत्तराखंड के चंपावत वन विभाग की जांच में हुआ मामले का खुलासा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सहयोगी JDU पर फिर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में संतोषजनक नहीं है उच्च शिक्षा की स्थिति।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस सरकार के आते ही हर जगह रुक जाता है विकास कार्य। राजस्थान में 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा दूध, गहलोत बोले इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर में होगा सुधार। रिटायर होने के बाद रामनाथ कोविंद को मिलेगा पासवान वाला बंगला, 12 जनपद स्थित बंगले को तैयार करने का शुरू हुआ काम। अप्रैल से अब तक भारत ने रूस से 50 गुना अधिक किया तेल आयात, बढ़कर 10% हुई कुल आयातित तेल में रूस की हिस्सेदारी। बैंक संगठनों ने टाली 27 जून को होने वाली प्रस्तावित हड़ताल, बातचीत शुरू करने पर सहमति जताने के बाद लिया निर्णय। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कोरोना को लेकर राज्यों के साथ की बैठक, पर्याप्त जांच और प्रभावी निगरानी को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश। शिवराज चौहान ने महाराष्ट्र संकट को लेकर कमलनाथ पर कसा तंज, बोले सरकार बचाने में नाकाम, अब महाराष्ट्र बचाने की कर रहे हैं कोशिश। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से की 2850 करोड़ रुपए की मांग, का जलमल शोधन समेत कई योजनाओं पर लगा है ब्रेक। वैज्ञानिकों ने हृदय कोशिकाओं को पुनः जीवित करने में पाई सफलता, हार्ट अटैक के बाद धड़का दिल, चूहों पर किया गया परीक्षण। अभ्यास मैच में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक फेल, पहले दिन 8 विकेट पर बनाए 246 रन, भारत ने ठोका अर्धशतक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।